नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दैनिक जागरण से संपादकीय डिक्टेशन लिखेंगे, रेडी हो जाइए 5 सेकंड्स में। केंद्र सरकार की ओर से शहरों में सार्वजनिक परिवहन का नया ढांचा बनाने की कोशिश समय की मांग है। अच्छा होता कि इस दिशा में और पहले ध्यान दिया जाता, क्योंकि देश के अधिकतर शहरों में सार्वजनिक परिवहन का ढांचा संतोषजनक नहीं। भारत के शहर उस सूची से बाहर हैं जहां सार्वजनिक परिवहन का ढांचा बेहतर है। उत्कृष्ट सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया भर के देशों की सूची में केवल मुंबई स्थान बना सका है, और वह भी 19वें स्थान पर। अच्छा होगा कि जिस तरह केंद्र सरकार सार्वजनिक परिवहन ढांचे की सुध लेने जा रही है, उसी तरह राज्य सरकारें भी लें। वैसे भी यह उनका ही प्राथमिक दायित्व है। सार्वजनिक परिवहन का अपर्याप्त ढांचा शहरी जीवन की समस्याओं को बढ़ाने वाला ही साबित नहीं होता, बल्कि वह ट्रैफिक जाम का कारण भी बनता है। यह सही है कि हाल के वर्षों में उन शहरों की संख्या बढ़ी है जहां मेट्रो सेवा संचालित की गई है, लेकिन राजधानी दिल्ली को छोड़कर अधिकांश शहरों में इस सेवा की उपलब्धता एक सीमित इलाके में ही है। इसके अतिरिक्त मेट्रो के विस्तार की एक सीमा है। इन स्थितियों में केंद्र सरकार की ओर से अगले 5 वर्ष में विभिन्न शहरों को 2 लाख इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराए जाने की पहल स्वागत योग्य है। शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता शहरी आबादी के जीवन को सुगम बनाने में तो सहायक होगी ही, प्रदूषण की समस्या को दूर करने में भी मददगार सिद्ध होगी। यह अच्छा है कि केंद्र सरकार शहरों में सार्वजनिक परिवहन को लेकर जो नई नीति लेकर आने जा रही है, उसमें इस पर विशेष बल दिया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग हो। इससे एक लाभ यह भी होगा कि पेट्रोलियम पदार्थों पर देश की निर्भरता घटेगी। यह घटनी भी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी और दूसरे प्रदूषण के एक बड़े कारण पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी। ध्यान रहे कि भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। यह सार्वजनिक परिवहन के लचर ढांचे का ही परिणाम है कि शहरों में दोपहिया वाहनों और कारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि एक बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक परिवहन के सुगम ढांचे के अभाव में ही दैनिक जीवन में निजी वाहनों का उपयोग करते हैं। इसी कारण सड़कों का चौड़ीकरण करने और फ्लाई ओवर, अंडरपास आदि का निर्माण करने के बाद भी शहरों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। शहरों में सुगम और वहन करने योग्य सार्वजनिक परिवहन ढांचे का विस्तार केवल शहरों के अंदर ही नहीं, बल्कि निकटवर्ती शहरों तक भी होना चाहिए, ताकि बड़े शहरों में होने वाले पलायन का सिलसिला कुछ थमे। सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कम से कम लोग निजी वाहनों का उपयोग करें।
उम्मीद करता हूँ डिक्टेशन आपने बहुत अच्छा लिखा होगा। जो वर्ड्स आपसे नहीं बने हैं या आउटलाइन बिगड़ी हैं उनको प्लीज़ देखें, आउटलाइंस 2 से 3 वर्ड लाइन्स कम से कम बनाकर प्रैक्टिस करें। ठीक, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें डेली अपडेट्स पाने के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।